आज हमारे साथ हैं गीतकार जमील अहमद साहब। हेलो जमील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। इनका अभी नया गाना फिल्म सैफ अली खान की फिल्म बाजार में जो है अधूरा लफ्ज़ काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा भी 8-10 साल से इंडस्ट्री में हैं, म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल सेन के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, कई आने वाले प्रोजेक्ट भी हैं इनके पास। थोड़ा सा यही बताएंगे अपने बारे में जमील साहब, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कैसे उत्तर प्रदेश से मुंबई तक की जर्नी रही आपकी गीतकार के रूप में, कब शौक जागा? नमस्कार, जमील अहमद। गीतकार बनने का सपना मेरा बहुत पहले से था, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं यहाँ आऊँ, मुंबई आऊँ, मुंबई में रह के और संघर्ष किया जाए। तो मैं समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ काम करता रहा। उसके बाद में मैं 2006 में मुंबई आया अपने सपने को सच करने के लिए, और यहाँ आके जो है काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर से मिला मैं, और धीरे धीरे चलता रहा, कुछ काम भी मिला, करते रहे। लेकिन अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रेक अपने बाजार मूवी में मेरा गाना जो सुहेल सेन जी ने कंपोज किया है, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है, बहुत अच्छा लग रहा है आज ये सुनकर। कुछ उसमें वर्ड्स भी हैं अधूरा लफ्ज़ जैसे, वर्ड्स हैं हाँ, कैसे ये तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़, कैसे ये लिखा था आपने, पहले नहीं किया था या सुहेल साहब ने आपको म्यूजिक दिया था पहले? नहीं, पहले लिखा हुआ था, थोड़ा लिखा हुआ था, बाकी कंपोज किया गया इंजीनियर से, कंपोज किया और सुनाया अजय कपूर जी को, निखिल अडानी जी को, उनको इस सिचुएशन पे उनको फिट लगा, उनको लगा ये गाना उनकी सिचुएशन में है, तो उन्होंने कहा और आगे इस पे काम कीजिए, उसको लिखा गया। अच्छा, सुहेल जी के साथ आप पहले भी कुछ काम कर चुके हैं, थोड़ा बताएं जी। जी, सुहेल सिंह जी के साथ में मैंने एक फिल्म थी गन साफ बनारस, जिसके लिए मैंने एक सॉन्ग लिखा था, वो फिल्म नहीं बनी जिस कारण से भी, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद लव पर स्क्वायर फुट, जिसमें मकबूल है सॉन्ग करके आत्मस्त्रीदी ने बहुत अच्छा कंपोज किया था सुहेल जी ने, वो फिल्म आई और रोनिस कुराला उसके प्रोड्यूसर थे, और नेटफ्लिक्स के लिए वो फिल्म है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे काफ़ी चर्चा रही उस फिल्म की। हाँ, तो उसमें काफ़ी बड़े होर्डिंग सुहेल सेन जी के साथ में मेरा पहला गाना आ चुका है। कैसा उनके साथ आप लोगों की कम ट्यूनिंग रहती है सुहेल जी के साथ, क्योंकि ये आगे भी आप काम कर रहे हैं? जी, उनके साथ आगे भी काम हो गया, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सॉफ्ट नेचर, और बहुत मैं और उनके सिचुएशन पे जो बोलते हैं कि सिचुएशन है जमील, इस पर आपको लिखना है, उस पर मैं लिखता हूँ और उनको पसंद आता है, बस सबसे बड़ी बात पसंद आएगा तो। अच्छा, ट्यून पर लिखना जो है जमील सब लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे अच्छे शहर भी तो लिखे उसमें। हाँ था, मेरे लिए भी पहले एक्चुअली जब फर्स्ट सॉन्ग लिखा था उस टाइम में मेरे लिए भी था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो सब आसान हो जाता है। अच्छा, गीतकारों मतलब तो किसका काम से आप ज़्यादा प्रेरणा हासिल करते हो, या किसका काम आपको बहुत पसंद रहा है, किसकी वजह से आप गीतकार बनना चाहें, ऐसा कोई होता? गीतकार मैं आनंद बख्शी साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनको बहुत सुनता था। अच्छा, और मजरू साहब उनको सुनता था, खासतौर से नीवा साहब हैं उनको मैं मैंने बहुत सुना है, बस सुन सुन के ऐसा मतलब एक अपने अंदर वो हुआ कि हम भी लिख सकते हैं, कि लिखे हैं, कुछ किया जाए। कैसा रहा आपको मुंबई शहर और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जैसा कहा जाता है कि बहुत स्ट्रगल है, और बहुत स्ट्रगल है, लेकिन मैं जैसा नहीं, स्ट्रगल को बहुत इजी ले रहा था, मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल जैसा नहीं, मैं बहुत आराम से चलने वाला हूँ, बहुत आसानी से, कि ठीक है काम होना होगा होगा, हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब वो टेंशन लेके नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत से लोग ले लेते हैं, डिप्रेस हो गया, ये सब कुछ नहीं, 12 साल लगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना था हम करने आए हैं, अच्छा काम करेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगा। इसके अलावा जो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सुहेल जी के साथ बताइए। हाँ, आगे एक कोबरा है, कोबरा नाम की मूवी है जो हीरो से आने वाली है, गौतम गुलाटी जी उसमें मेन लीड में है, और बाकी फरीदी और एक फीमेल सिंगर ने गाया है, अच्छा गाना होगी। उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? प्रोजेक्ट तो और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में प्रोजेक्ट है, मेरा भी एक फिल्म आने वाली है ब्लू कोट, जिसमें शबाब आजमी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, वो फिल्म है, तोची रैना जी ने गाया है, ओ क्या आवाज़, तो बहुत अच्छी कबीला। हाँ, तो उन्होंने गाया ये सॉन्ग, बहुत अच्छा है।
और भी कुछ एक टी सीरीज का सिंगल्स आने वाला है। अच्छा, एक आप हाल में भी आपका एक सिंगल, हाँ एक सिंगल सा भी मेरा आया है माय लव अल्ताफ एंड मनी, मुझे गायक अल्ताफ सैयद। अच्छा, और मनी वर्मा सिंगर मनी वर्मा है। अच्छा, उसको मैंने लिखा है और वो एक अक्टूबर को ही रिलीज हुआ है टी सीरीज से। और अभी सेकेंड प्रोजेक्ट दिसंबर में टी सीरीज से एक और आता है जिसका नाम है प्यार की बारिश, और ये अच्छा सॉन्ग है। बाकी और बहुत सारा कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आप है मुंबई में ही शिफ्ट हो गए हैं? हाँ, मैं मुंबई में हूँ पूरी तरह से हूँ, 2006 से हूँ। अच्छा। और जाने का इरादा भी नहीं।